अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आइए, तो दोस्तों आज सुबह के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। दोस्तों सुबह सुबह हम लोग कबूतर खोलते हैं और आपको कबूतर की अपडेट देते हैं, कबूतर के बच्चों की अपडेट देते हैं। दोस्तों कितने बच्चे हो गए, आइए तो दोस्तों कबूतर हम लोग खोलते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। दोस्तों इसी तरह दोस्तों इसी वीडियो में भी प्यार दीजिएगा और ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा। दोस्तों इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों देखिए, दोस्तों बीच में आपको एक कबूतर नज़र आ रहा होगा, पिंक कलर वाला। दोस्तों ये कल कबूतर पकड़ा है बड़े भाई ने। बड़ा भाई बोल रहा है कि ये कबूतर हम लोगों ने सारा दिन लगकर कबूतर पकड़ा है और ये कबूतर का आपको शौक भी कराएंगे दोस्तों, और आप लोगों ने बताना है ये कबूतर कैसा है। दोस्तों आइए तो दोस्तों अंदर भी चलेंगे, पहले इनको बाहर बुलाते हैं, दाना वाना देते हैं इनको, फिर हम लोग अंदर चलेंगे। दोस्तों अंदर जाकर आपको कबूतर के बच्चों का और अंडों का सबका शौक भी कराएंगे। दोस्तों वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। दोस्तों लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करिएगा। सारे कबूतर बाहर आ गए हैं, दाना डाल रहे हैं हम, तो सारे कबूतर तकरीबन अब बाहर आ जाएंगे खुद। तकरीबन दोस्तों सारे कबूतर बाहर आ गए हैं। आइए दोस्तों अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आपको अपडेट देते हैं कबूतर के बच्चों की और अंडों की। ये जब तक के ये बाहर दाना खा रहे हैं, हम लोग अंदर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है आज भी ये खुशखबरी है, क्योंकि अंदर मैंने देखा है एक अंडा टूटा हुआ रखा है। आइए दोस्तों देखते रहिएगा, मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। दोस्तों ऊपर वाला जो कबूतर है, कासिम भाई ने जो हमें गिफ्ट दिया था, उसके अंदर मुझे लग रहा है हमारे पास बेबी आ गया है। दोस्तों इधर से शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बेबी पिजन देखें माशाल्लाह दोस्तों कितना बड़ा हो गया। और ये एग हमेशा के लिए दोस्तों वैसे का वैसा ही पड़ा है, ख़राब हो गया आई थिंक बिल्कुल। और दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं दूसरे वाले कबूतर के बच्चे, इसका बेबी पिजन देखें दोस्तों माशाल्लाह बिल्कुल फिट है। इसने भी दोस्तों दूसरा अंडा आई थिंक इसका भी ख़राब हो गया, इसने भी दूसरे अंडे में से बच्चा नहीं निकाला दोस्तों। और माशाल्लाह खुशखबरी की बात यह है दोस्तों, इसने एक बच्चा निकाल लिया है माशाल्लाह से। देखिए दोस्तों टूटा हुआ अंडा पड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये दिखाएगी नहीं, इसका टूटा हुआ अंडा अंदर पड़ा हुआ है और इसका भी माशाल्लाह से अंडे में से बच्चा निकल चुका है। दोस्तों आइए तो दोस्तों तलहा गौरी वाली मादी को देखते हैं, इसने अंडा दिया है या नहीं। दोस्तों नहीं नहीं दोस्तों, इसने अंडा नहीं दिया, तो अब इसका अभी भी हमें इंतज़ार रहेगा। माशाल्लाह इसका इंतज़ार था, इसने बच्चा निकाल लिया, इसका हमें सेकंड बच्चे का इंतज़ार था, इसने बच्चा नहीं निकाला। दोस्तों मुझे लग रहा है इसका भी दूसरा अंडा ख़राब हो गया दोस्तों। तो माशाल्लाह से इधर भी दो अंडे हो गए माशाल्लाह। देखें दोस्तों ये मादी आकर बैठ गई है ऊपर, और ये हमारे न्यू कबूतर। तो दोस्तों आप लोगों ने बताया था कि माशाल्लाह से ये दोनों ही कबूतर बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से दोस्तों हमने ये रख लिए। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त कबूतर हैं, आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों ने मुझे बताया, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप लोगों का कि इस तरह से मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देने का। तो देखिए दोस्तों कबूतरों को आपको शौक भी कराते हैं और कबूतर दिखाते हैं, जो नया हम लोगों ने कबूतर पकड़ा है दोस्तों वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए पिंक कलर लगा हुआ है दोस्तों, एक साइड पे पिंक कलर लगा हुआ है, दूसरी साइड पे इसके ग्रीन कलर लगा हुआ है। दोस्तों अच्छा कबूतर है पट्टी वाला दोस्तों।
आप लोगों ने बताना है दोस्तों कबूतर कैसा लगा आप लोगों को। ये दोस्तों बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर आपको नए कबूतर का शौक कराते हैं जो हमने पकड़ा है ये वाला। और इसके बाद दोस्तों हम इनको बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोस्तों मुझे जॉब पे भी जाना होता है। 8 बजे मैं आया था, 8:30 बजे का टाइम हो गया दोस्तों। नीचे जाऊंगा, नाश्ता वगैरह भी करना है और फिर मुझे 9 बजे निकलना है दोस्तों जॉब के लिए। तो देखिए दोस्तों ये कबूतर है, ये हमने पकड़ा है। देखिए दोस्तों एक तरफ इसके पिंक कलर है, एक तरफ इसके पिंक कलर है और एक तरफ इसके ग्रीन कलर है। तो येलो आइस में है दोस्तों, आपका इसको शौक भी कराते हैं इसकी आइस का करीब से। देखिए दोस्तों आप लोगों ने बताना है दोस्तों कबूतर कैसा है दोस्तों। देखिए हल्की सी ऊपर से चोंच पिंक है और नीचे ब्लैक है। और आइए तो दोस्तों पंजों का शौक करें। देखिए दोस्तों डार्क पंजों में है ये भी। और दोस्तों जो पिछले हमारे जो कबूतर हम लोगों ने दो जोड़ा, एक कबूतर पता नहीं दोस्तों वो मादी है नर है दोस्तों। आप लोग दोस्तों इतनी दूर से बेचारे ये भी नहीं बता सकते कि वो मादी है या नर है दोस्तों। और इसका शौक करें दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों ने बताना है। ये तो नर है, कन्फर्म नर है दोस्तों। ये गुटक भी रहा है, अच्छा गुटक रहा है। और आप देखते रहिएगा दोस्तों, इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा ये नर है, नर तो है दोस्तों। और ये किस तरह का कबूतर हमारे इधर है दोस्तों। केज की हालत भी बहुत गंदी हुई है, बहुत गंदगी हुई है दोस्तों। संडे वाले दिन ही साफ करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा जो ऊपर से बड़ा बड़ा सामान था मैंने वो गंदा वो निकाल दिया है। बाकी ये दोस्तों संडे वाले दिन ही हमें टाइम मिलता है, संडे वाले दिन ही हम इनका केज साफ करेंगे दोस्तों। इस नर को देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त आइस में है दोस्तों, टेढ़ी क्रॉस में है ये नर, बहुत ही आउट क्लास कबूतर है दोस्तों। ये हमारा गोल्डन नर को देखें दोस्तों, ये गोल्डन नर है। बेबी पिजन हमारा देखिए दोस्तों माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल फिट है। और ये जो नया जो नर आया है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बदमाश है दोस्तों, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों तलहा गौरी वाली मादी मुसलसल बैठ रही है, अल्लाह करे ये दिल से अंडा दे दे। और इसका नर ये है दोस्तों, पर वाली मादी ने भी एक बच्चा निकाल लिया है, वो दिखाने नहीं दे रही। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोस्तों आपको उसका बच्चा भी दिखाएंगे। ऊपर जो नर बैठा है वो भी ज़बरदस्त नर है दोस्तों, बहुत आउट क्लास है। एक ये जो नया था दोस्तों, पता नहीं नर है या मादी है दोस्तों, ये आप लोगों को शायद पता लग रहा हो। आप लोगों ने बताना है ये मादी है या नर है दोस्तों। अगर मादी निकली तो दोस्तों गोल्डन के साथ इसका जोड़ा परफेक्ट रहेगा। आप लोगों ने भी बताना है दोस्तों इसका गोल्डन के साथ, क्योंकि आइस इसकी और गोल्डन की सेम है दोस्तों। आप लोगों ने बताना है मुझे। ये नर देखिए दोस्तों, जबरदस्त नर है दोस्तों, बहुत ही आउट क्लास किस्म का। तो आइए दोस्तों हमने एक जोड़ा बाहर बंद किया है दूसरे छोटे पिंजरे में, उसको दिखाते हैं दोस्तों आप उनका जोड़ा लगा है या नहीं दोस्तों। परसों मैंने बंद किया था और आज फिर मैंने बंद किया है। दोस्तों ने बोला है इसका जोड़ा आउट क्लास रहेगा, बच्चे बहुत अच्छे निकालेगा, इसी वजह से दोस्तों आज फिर से मैंने इनको बंद कर दिया है। तो बिल्कुल दाना वाना खा लिया है और इनका पेट फुल हो गया, अंदर चले गए हैं, तो इनको हम करते हैं बंद। बंद कर दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे केज के अंदर देखिए माशाल्लाह सही ज़बरदस्त लग रहे हैं, ये गोल्डन नर है। और उधर देखिए दोस्तों सारे कबूतर अपने अपनी जगह पे फिट हो गए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आपको इसका शौक कराते हैं ये वाले जोड़े का। आप लोगों ने बताना है दोस्तों ये जोड़ा कैसा रहेगा। कई दोस्तों ने बोला था ये जोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी मादी की आइस और नर की आइस तकरीबन सेम है दोस्तों, पंजे वंजे भी इनके सेम है, हड्डी जोड़ भी दोस्तों तकरीबन सही है। तो इनका जोड़ा लग जाए तो दोस्तों बच्चे बहुत अच्छे निकालेगा। कई दोस्तों ने यही मुझे मशवरा दिया है कि इनका जोड़ा
लगा दें दोस्तों। मैंने पहले दिन बंद किया था, उसके बाद मैंने बोला चल, मैंने उसको दोबारा बंद नहीं किया। मैंने बोला जब जैसे दोस्त बोलेंगे अच्छा जोड़ा लगता है या नहीं, तो दोस्तों सब तकरीबन दोस्तों लोगों ने बोला है कि इसका जोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों, बच्चे बहुत अच्छे निकालेगा, आउट क्लास बच्चे निकालेगा। तो आइए दोस्तों इनको भी यहाँ से ढक देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं इनके आगे ताकि इनको प्राइवेसी मिले और ये कुछ कर सके दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ व नासिर, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।